आप सब यहाँ आए, कथा का श्रवण पान किया। जब यहाँ पहले कथा इसकी सब योजना बन रही थी, हमारे सभी ट्रस्ट परिवार के सभी लोग आए, तो यहाँ आकर के लोगों ने कहा कि ये पंडाल नहीं भरने वाला, क्यों बोले वृंदावन में तो कोई आता ही नहीं, यहाँ तो हर तीसरे कदम पर कथा चल रही होती है, तो आएगा कौन। तो बोले यहाँ लोग नहीं आने वाले, लेकिन आप लोगों ने उसको असत्य साबित करके आज ये पूरा पंडाल आपकी इस सन्निधि से भरा हुआ है, इसलिए आपका अभिनंदन। ये दर्शाता है कि आप लोगों के अंदर कितना प्रेम है, कितना स्नेह है श्री ठाकुर जी के प्रति, इस व्यासपीठ, इस भागवत के प्रति। मैं आपके उस श्रद्धा भाव को प्रणाम करती हूँ। और चिंता मत करना, कहीं टीवी वाले सोच के डर रहे हो कि अब पंडाल भर गया अब नहीं जाना, आ जाओ, हम जगह बना देंगे, कहीं जगह नहीं मिलेगी तो स्टेज तो खाली पड़ा ही है, आप कहो तो व्यासपीठ भी खाली कर दे, जहां आपका मन करे वहां बैठ जाइए। लेकिन आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास वास्तविकता में बहुत ही प्रणम्य है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आइए अब हम सब कृष्ण श्री राम कथा की ओर अग्रसर होंगे, राम जन्म की कथा का श्रवण पान करेंगे, उसके बाद हमारे ठाकुर जी के जन्मोत्सव का भी आज हम सब दर्शन श्रवण पान वर्णन श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सूर्य वंश का वर्णन श्रवण कराए, तदुपरांत श्री ठाकुर जी श्री रामचंद्र श्री राम लला के जन्म का वर्णन करा रहे हैं। श्री दशरथ जी की कथा आई, महाराज दशरथ जिनकी तीन पत्नियां हैं, कौशल्या के कई सुमित्रा, कोई संतान नहीं है इसलिए बड़े दुखी है। एक दिन जंगल में शिकार के लिए गए, मृगचर्या के लिए, श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को लेकर के वहां से जा रहे थे। श्रवण कुमार का नाम आप सब भलीभांति परिचित है, माता पिता की सेवा बड़े भाव से करते थे इसलिए, किंतु जल लेने के लिए जब एक सरोवर में आए, दशरथ जी ने उसको मृग कोई पशु समझ करके वान का प्रहार किया। श्रवण कुमार की वहां मृत्यु हो जाती है। श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दशरथ जी को शाप मिलता है कि तुम्हारे चार चार पुत्र होते हुए भी तुम पुत्र वियोग में तड़प के मरोगे। किंतु ध्यान रखिए, साधु कभी श्राप नहीं देते, साधु कभी किसी का अहित नहीं चाहते। अगर कोई संत महापुरुष व्यास ना देत आशीष श्राप, संत ना तो आशीर्वाद ही देंगे और ना श्राप ही देंगे, उनको दोनों से ही मतलब नहीं। जो सच्चा महापुरुष होगा, आप उसके पास जाके कहोगे कि महाराज आशीर्वाद दे दो, सर पे हाथ रख दो, तो वो नहीं रखेगा। क्यों? बोले हम आशीर्वाद देने वाले कौन होते जब ठाकुर जी आशीर्वाद सबको दे रहे। तो और कुछ लोग को मालूम है क्या लगता है, उनको लगता है संत का सर हाथ सर पर रखते ही लॉटरी लग जाएगी, वो जाते ही इसीलिए। बोले महाराज हाथ रख दे और सब काम बन जाए हमारे। वृंदावन आए हैं, बिहारी जी से कह रहे बिहारी जी हमारी फैक्ट्री चला दो, जबकि बिहारी जी फैक्ट्री चलाते नहीं है, बिहारी जी फैक्ट्री पर ताला पड़वाते। क्यों? बोले बहुत हो लिया दुनियादारी, अब आओ वृंदावन में आराम से हमारा नाम बजो। अब आए हैं यहाँ वृंदावन की प्रभु सब छुड़वा दो और यहाँ आके उल्टा। संत महापुरुष ना तो आशीर्वाद देते हैं और ना श्राप देते हैं, इसलिए उसमें भी हित छुपा है। चार चार पुत्र होते हुए भी दशरथ जी को ये भान हो गया कि हमारे जीवन में भी कम से कम पुत्र सुख लिखा है। तुरंत घर आए, श्री वशिष्ठ जी के पास गए। एक बार भूपत मन माही, भई ग्लानी मोरे सुत नाही,
गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु जी ने समझाया धरव धीर होई सुतचारी, घर जाइए यज्ञ की तैयारी कीजिए। गुरु आज्ञा को मान करके घर आए, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया, प्रगटे अग्नि चरु कर लेनी। अग्नि भगवान खीर का प्रसाद लेके प्रगट हुए, तीनों माताओं ने प्रसाद ग्रहण किया और तीनों माता प्रसाद ग्रहण करके गर्भवती हुई। और धीरे 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 समय बीतता गया। समय बीतते बीतते नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि चैत्र के महीने में मध्यान्ह के समय अभिजीत मुहूर्त में दोपहर के ठीक 12 बजे अयोध्या के प्रांगण में माँ कौशल्या के आंगन में मर्यादा पुरुषोत्तम जगत पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र का प्रागट्य हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री रामचंद्र का प्रागट्य, माँ केकई के गर्भ से श्री भरत जी का और माँ सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का अवतार हुआ। श्री राम लला चारों तरफ ये सूचना पहुंची, सब लोगों ने आकर के माँ कौशल्या, दशरथ, केकई, सुमित्रा को बधाई प्रदान की। सब ने प्रभु श्री रामचंद्र का दर्शन किया है। धीरे धीरे राम भगवान की आयु और अग्रसर होती है। प्रभु बड़े हुए, विद्या अध्ययन करने के लिए गुरु के आश्रम में जाते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं और फिर वापस आए। विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या में एकदम निपुण हो करके। और विद्या की निपुणता क्या है? बोले विद्या की निपुणता ये नहीं कि आपने कितनी पढ़ाई कर ली, क्या है? विद्या विनय, विद्या अध्ययन करके आपके अंदर विनम्रता कितनी आई, आपके अंदर संस्कार कितने आए, यही उस विद्या का सच्चा फल। कृष्ण कथा लीला की कथा है तो राम कथा जीवन जीने की कला है। राम भगवान ने अपना पूरा जीवन ऐसे जिया, क्या भाई का कर्तव्य है, क्या एक माता पिता का, क्या एक पति का, क्या पुत्र का कर्तव्य है, वो सब भगवान रामचंद्र ने दर्शन श्रवण कराया। त्रेता युग की कथा है कि एक माँ कह देती है 14 वर्ष वन में चले जाओ, और एक बार प्रभु श्री रामचंद्र ने ये नहीं पूछा कि क्यों चला जाऊं। ये भगवान श्री रामचंद्र जीवन जीने की कला को दर्शा रहे। इसके उपरांत भगवान श्री रामचंद्र जाते हैं विश्वामित्र जी के साथ, उनके यज्ञ की रक्षा सुरक्षा करते हैं। और फिर श्री रामचंद्र भगवान मिथिलापुर जनकपुर जा करके देवी जानकी से विवाह करते हैं। जानकी का विवाह प्रभु के साथ होता है। वहीं तीनों भाइयों का विवाह हुआ। चारों भाई विवाह करके अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ वापस अयोध्या आते हैं। इधर महाराज दशरथ एक दिन अपने राज्य में बैठे थे सिंहासन पर, अचानक से राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। क्या देखा? कान के पास कुछ बाल है जो सफेद हो गए, मुकुट टेढ़ा हो गया। मतलब कान के पास बाल सफेद हो गए मतलब क्या है? बोले अब बुढ़ापा जरा आ गया, अब मृत्यु आने वाली, अब संभल जाओ, अपना सब कुछ अपने पुत्रों को सौंपो और अपने आप को ठाकुर जी के नाम में लगाओ। घोषणा की कि कल राम को राजा बनाया जाएगा, किंतु एक रात में सब बदल गया। माँ केकई ने वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष तक वनवास मिले। राम भगवान अपनी माँ की बात को सिरोधार्य करते हुए चल पड़े वनवास के लिए। वहां जाकर के प्रभु ने केवट का उद्धार किया।
गंगा के किनारे। निषाद का निषाद पर कृपा की और फिर प्रभु पंचवटी में जाके रहे, जहां उनसे मिलने रावण की बहन सुपर्णखा आई। लक्ष्मण जी ने उसकी नाक कान काटी और फिर आप सब कथा जानते हैं किस प्रकार मृग बन करके मारीच आए, सीता मैया को रावण हरण करके ले गया और प्रभु श्री रामचंद्र माँ जानकी के बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए समुद्र पर सेतु बना करके वानरों के साथ लंका पहुंचे, रावण के साथ युद्ध करके उसको हरा करके माँ जानकी को अपने साथ विमान में बिठा करके वापस अयोध्या पधारे। भगवान राम का, माँ जानकी का सुंदर दर्शन श्रवण पान हुआ, बड़ा सुंदर राजाभिषेक हुआ। इस राम कथा को रामायण सतकोटिया पारा, रामायण विशाल ग्रंथ है और इतनी अपार है जिसको हमने 5 मिनट में पूरा किया है, क्योंकि समय की अपनी बाध्यता होती है। और वैसे भी भागवत में भी संक्षेप में ही कथा आई है राम भगवान की, तो संक्षेप में ही हमने श्रवण पान की, भगवान श्री राम के चरित्र का दर्शन श्रवण पान। अब आगे श्री सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण की कथा की ओर बढ़ते हैं, यानी अब हमारे ब्रज के आराध्य देव श्री बाल कृष्ण लाल का प्रागट्य, उनके जन्म की कथा श्री सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं। अब एकदम सावधान हो जाइए, क्यों? अब मथुरा की कथा है, ज्यादा शोर मचाओगे तो मामा कंस अपने द्वारपाल भेज देंगे, तो हल्ला गुल्ला सब बंद, एकदम शांति। और जब ठाकुर जी गोकुल पहुंच जाए तब आप, आपकी एकदम छुट्टी है, जितना नाचना जितना गाना सब कर सकते हैं, पर तब तक एकदम शांति के साथ आगे की कथा को श्रवण पान करें। श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया, भूमिर दृप्त यति निरप्याज दैत्यानिक कस्तायुत ही आक्रांता भूरि भारेन ब्रह्मानं शरणं ययु। एक बार पृथ्वी पर दुष्ट राजाओं का अत्याचार बढ़ा, इतना अत्याचार हुआ कि मां पृथ्वी उसको सहन नहीं कर पाई और ब्रह्मा जी आदि सभी देवताओं को लेकर के प्रभु की शरण में क्षीर सागर में गई, प्रार्थना की, हे प्रभु आप मेरे दुख का निवारण कीजिए। भगवान ने कहा, हे देवी पृथ्वी आप चिंता न करो, जल्द ही वसुदेव देवकी के घर अवतार लेने जा रहा हूं। अब देखिए, वृंदावन की भूमि में बैठे और ठाकुर जी अवतार लेने जा रहे, तो अब करना क्या है? बोले अब कथा को सुनना नहीं है, अब कथा को देखना है और कृष्ण कथा वृंदावन में और ज्यादा नजदीक इसलिए लगेगी, क्यों? क्योंकि श्री ठाकुर जी ने इसी धरा पर जन्म लेकर के लीला की। कभी शांति से बैठ के सोचना, आप चरण पहाड़ी चले जाते हो, वहां आपने देखा है ठाकुर जी के चरण छप रहे हैं, पर ये तो आप भी जानते हो ना कि प्रभु तो पूरे ब्रज में घूमे थे, क्या पता जहां आप बैठे हो इस समय वहीं पर आज से 5000 वर्ष पहले श्री ठाकुर जी का चरण चिन्ह आया हो, क्या पता यहीं से प्रभु निकल के गए हो। उस चीज को अनुभव कीजिएगा कि अगर आज 5000 वर्ष बाद अगर आज यहाँ ठाकुर जी होते हमारे समक्ष, तो कैसा व्यवहार करते आप उनके साथ, तब उस लीला को आपको आनंद आएगा। ऐसी कथा आती है, एक श्रीधर स्वामी कथा कर रहे थे, उनका कोई शिष्य बैठ के कथा सुन रहा था। तो देखिए कथा में हर प्रकार के श्रोता होते हैं, कुछ भाव से आते हैं, कुछ का हेतु कुछ होता है, तो कुछ बेचारे चप्पल चुराने ही आते हैं, है कि नहीं? वृंदावन में अच्छा ये बताओ कितनों की चप्पल चोरी हुई,
मेरे पास तो एक दो केस रोज आते हैं, मेरे चप्पल चली गई, और बढ़िया अपने सारे भंडार यहीं छोड़ जाओ पापों के। कुछ किसी भाव से आते, पर आप लोग ऐसे नहीं, आप तो एकदम शुद्ध भक्त हो। अभी आपसे 3 दिन और काम है, इसलिए गलत नहीं बोल सकते कुछ भी। श्री ठाकुर जी सब कथा सुन रहे हैं, श्रीधर स्वामी कथा सुना रहे, तो उन्होंने कथा कौन सी सुनाई? उखल बंधन की कथा सुनाई। तो उखल बंधन की कथा में क्या है कि मैया ने लाला को रस्सी से बांध दिया। अब वो शिष्य कथा सुन रहा था, जैसे उसने सुना मैया ने रस्सी से बांध दिया, कथा वहीं छोड़ दी और उठ के भागा अपने घर, और घर जाकर के अपने ठाकुर जी को, गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी को गोदी में लेकर के उनको तेल लेकर के मालिश कर रहा। तो किसी दूसरे शिष्य ने अगले दिन पूछा, तू क्यों भागा था? बोले, वो मैया ने बांध दिया था ना, तो हमारे लाला को निशान बन गया था, और वैसे भी इतनी देर बंधे बंधे ठाकुर जी के अंग जो अकड़ गए थे, तो इसलिए हम उनकी मसाज कर रहे थे। तो शिष्यों ने कहा, अच्छा गुरुजी की कथा से उठ के चला गया बीच में, अभी गुरुजी को बताते, क्योंकि हर गुरुओं की मंडली में ऐसे 2-4 चेला जरूर होते जो इधर की उधर लगाने का ही काम करते, उनका धंधा ही है। बोले, गुरुजी आपका वो चेला ऐसे कर रहा था। आप ये मत सोचो गुरु बनना आसान काम है, दुनिया का सबसे टेढ़ा काम है गुरु बनना। क्यों? क्योंकि सबको यही लगता, हमारे ही गुरु है, हमारे ही मानेंगे। इसलिए गुरुजी को जाके क्या बोले हैं, गुरुजी को जाके बोले, महाराज आपका ही भक्त, आपकी कथा वथा में इसका कोई भाव नहीं, देखो बीच में छोड़ के चला गया। गुरुजी ने बुलाया, बेटा इधर आ, क्या हुआ, कैसे चला गया? बोले, गुरुदेव आपने कहा लाला को बांध दिया गया, मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरे लाला को कितना कष्ट हुआ होगा, इसलिए चला गया। गुरुदेव समझ गए, कहा, भैया अपने लाला के एक बार हमको दर्शन कराएगा? हाँ हाँ गुरुदेव, जरूर कराऊंगा। अपने गोपाल जी को लेकर के आया, और कथा में जो शिष्य जो शिकायतें लेके आए थे, उन्होंने जब देखा तो वही उसके चरणों में गिर पड़े। क्यों? बोले, पीतल की मूर्ति थी, पर उस पीतल की मूर्ति पर ठाकुर जी की कमर पर रस्सी का निशान बना हुआ था। उसने कथा को सुना नहीं, उसने उस कथा को देखा और उसको जिया। मुझे बड़ी खुशी होती है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं अपने गोपाल जी को साथ लाते हैं, और होना भी चाहिए। भर गर्मी में गोपाल जी को ताला लगा के आ जाओ, ले ठाकुर जी तुम यहीं पड़े रहो, हम जाकर के वृंदावन में चाट पकौड़ी खाएंगे, कहाँ की बात हुई। अगर आप उनको घर बंद करके आ रहे हो, मतलब अभी आप उनको भगवान नहीं मानते, बस मूर्ति माने बैठे। गोदी के बालक को कभी कोई मैया घर में अकेला छोड़ के जाती है कहीं? हमेशा साथ लेके जाएगी, और दिन में 10 बार ध्यान रखेगी, दूध पिया के नहीं, पानी पिया के नहीं, गर्मी लगेगी तो अपने आंचल से हवा करेगी। जब तक यही भाव आपको अपने लड्डू गोपाल जी के प्रति नहीं आएगा, तब तक लड्डू गोपाल जी आपसे बातें नहीं करेंगे। और जब ये भाव आ गया, तो जैसे सूरदास के साथ श्री ठाकुर जी बात करते हैं, वैसे हमारे साथ भी बातें करें। जब भक्ति प्रगाढ़ हो जाए, सब जानते हैं सूर की उस गाथा को, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है और अंधेरे में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कुएं में गिरने ही वाले हैं, कि तभी एक बालक आया और हाथ पकड़ लिया। बोले, बाबा आगे मत बढ़ो, कुआ है, गिर जाओगे। सूरदास ने पूछा, कौन हो तू? बोले, बाबा हम यही पड़ोस के गांव के लाला हैं, हम अपनी मैया ने दूध मंगाया था तो दूध लेने गए थे, इतनी हमारी नजर आप पर पड़ गई। सूर समझ गए, ये कौन है, ये तो स्वयं मेरे श्याम सुंदर आए हैं, श्री ठाकुर आए हैं। झट से प्रभु को पकड़ने वाले थे और प्रभु छोड़ करके अंतर ध्यान। तो क्या कहा, वहां छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोए। हम तो निर्बल हैं, हमारी इतनी ताकत नहीं कि आपका पीछा करें,
आपको पकड़ सके। वहां छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय छुड़ा के जाओ तो मर्द जानूंगो तोए। सच्चे मर्द हो यहां से जाके दिखा, हाथ छुड़ा के तो कोई भी जा सकता है, हृदय से जाके दिखाओ।